उदयपुर के फतेहपुरा स्थित द यूनिवर्सल स्कूल में एक कक्षा में बोली शिक्षिका ने पढ़ाई के दौरान हिंदू धर्म के खिलाफ टिप्पणी कर बच्चों को भड़काने की कोशिश की। शिक्षिका द्वारा कक्षा में भगवान के नहीं होने पर बहस छेड़ दी। शिक्षिका ने बच्चों को कक्षा में कहा कि भगवान को किसने देखा, तुम लोग किसी भी पत्थर को लाल कलर कर उसे हनुमान बना देते हो और ना जाने क्या क्या बना देते हो। ऐसे में शिक्षिका द्वारा बच्चों को हिंदू धर्म के खिलाफ भड़काने को लेकर पदाधिकारी स्कूल के बाहर पहुंचे और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। स्कूल प्रबंधक को ज्ञापन देकर बताया कि अध्यापिका द्वारा सनातन धर्म के खिलाफ गलत टिप्पणी करते हुए सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है और हिंदू धर्म की भावनाओं को आहत पहुंचाई जा रही है। स्कूली बच्चों की मानसिकता में परिवर्तन करने का जो गलत प्रयास शिक्षिका द्वारा किया गया, इसे लेकर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर प्रिंसिपल ने कहा कि दूसरे ही दिन अध्यापिका को टर्मिनेट कर दिया गया और समस्त समाज हिंदू संगठनों की ओर से रखी गई मांग को 7 दिवस के अंदर पूर्ण करने का आश्वासन भी दिया। राव राजेंद्र सिंह राणा, श्री राम सेना, मेवाड़ जिला महासचिव, सभी सनातन समाज, बीजे भारतीय जनता युवा मोर्चा बड़गाम महामंत्री, हम सब आज एक विषय को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे आए हैं। आज द यूनिवर्सल स्कूल के अंदर हमारे जो बच्चे हैं उन बच्चों को हमारे ही धर्म के खिलाफ भड़काया जा रहा है, उकसाया जा रहा है, उनको गलत शिक्षा दी जा रही है। हम सभी धर्म का सम्मान करते हैं, अपनी अपनी शिक्षा का अधिकार सभी धर्मों का है। अगर आपको इस सनातन धर्म के विरुद्ध में कोई शिक्षा देनी है तो आप मदरसे में लेके जाइए, आप मदरसे में अपने बच्चों को पढ़ाइए। यह स्कूल शिक्षा का मंदिर है, यहाँ पे कॉमन शिक्षा होगी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी के लिए समान शिक्षा होगी, एक ही तरह की शिक्षा होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके की शिक्षा इन बच्चों को दी जा रही है उसके खिलाफ आज पूरा समाज और सभी पेरेंट्स हमारे साथ हैं। हम सब आज यहाँ आए हैं, स्कूल के प्रशासन से हमने बात करी है। स्कूल का प्रशासन ये बोल रहा है कि हमने उस मैडम को टर्मिनेट कर दिया है। हम ये चाहते हैं कि स्कूल का प्रशासन उस मैडम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए। मुकदमा दर्ज कराने के तत्पश्चात हमने उनको ये मांग रखी है, 7 दिन के अंदर आप जितने भी इस प्रकार के मानसिकता वाले जो स्कूल के टीचर हैं उनको आप टर्मिनेट कीजिए। 7 दिन के बाद PTM बुलाइए, सभी पेरेंट्स को बुलाइए, पेरेंट्स के सामने आप आगे क्या पढ़ाएंगे, स्कूल में किस तरह की शिक्षा देंगे, वो सारा ऑनलाइन होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हमारा बच्चा क्या पढ़ रहा है। आपको पता होना चाहिए कि एक जैन समाज का एक किस्सा है, थोड़े से दिन पहले का, एक बच्चा गेम खेलता खेलता नमाज पढ़ने लग गया। तो हमारा बच्चा या इन लोगों के प्रेशर में आके कहीं गलत तरीके पे नहीं चला जाए और हमारी ज़िंदगी भर की कमाई ख़त्म नहीं हो जाए, इसलिए हम सब आज सभा साथ आके हमने आज स्कूल को ये सारी चेतावनी दी है। अगर 7 दिन में ये नहीं मानेंगे तो स्कूल को ताला लगाया जाएगा, इसकी मान्यता रद्द की जाएगी, हमारे सारे बच्चों को दूसरे स्कूल में पढ़ाया जाएगा। टीचर्स ने जैसा कि सुनने में आ रहा है पेरेंट्स के द्वारा, एक टीचर ये बोलती है कि आपका भगवान दिखता है क्या, तो भगवान तो किसका दिखता है, किसी का नहीं दिखता है। एक भावना होती है, भाव होती है, एक आराधना होती है, ठीक है। तो उस बच्चों ने बोला नहीं दिखता है, तो आप तो कहीं पे भी पत्थर के ऊपर माली बना लगा के लाल सिंदूर लगा के उनको भगवान मान लेते हैं, तो हमारा तो कंकर कंकर शंकर है, हम तो मानते हैं, ठीक है। तो उसने बोला कि फिर बच्चे ने वापस रिप्लाई में उसको पूछा, 7वीं क्लास का बच्चा है, ध्यान दिमाग तो होता ही है, उसने पूछा कि फिर आपके वहाँ पे क्या है, कि हमारे वहाँ पे तुम्हारा बाप है। तो बाप तो इन सबका अयोध्या में बैठा हुआ है, इस चीज़ का इनको ध्यान में रहना चाहिए। और गलत तरीके की बात करेंगे तो गलत तरीके का जवाब मिलेगा, वरना सबका सम्मान करते हैं, सबका साथ सबका विकास के नारे पे हम मोदी जी के विश्वास रखते हैं, इसलिए ध्यान रखें, आगे से कार्य नहीं करें, वरना यूनिवर्सल स्कूल के पूरे भारत में भी आग लगाने की औकात हम सब रखते हैं। सनातनी, जय श्री राम। कि आज हमारे शिक्षा का मंदिर यूनिवर्सल स्कूल के अंदर हम सभी धर्म रक्षक श्री राम सेना से और समस्त हिंदू संगठन से इकट्ठे हुए हैं और हम यह मांग करते हैं कि यहाँ पे जो धर्म की शिक्षा दी जाती है और ये धर्म शिक्षा संविधान के विरुद्ध है। अगर संविधान इनको अगर इजाज़त देता है तो मदरसे के लिए देता है, स्कूल में नहीं। पर ये स्कूल के अंदर इस तरह की जो है धार्मिक शिक्षा देते हैं और सनातन को जो नीचा दिखाने का कार्य और सनातन हिंदुत्व के विरोध में जो है इस तरह के स्टेटमेंट देके बच्चों को गलत शिक्षा दी जा रही है, उसके विरोध में आज हम सब यही धर्मक्ष इकट्ठे हुए हैं और मांग करते हैं कि इस यूनिवर्सल स्कूल को मान्यता रद्द की जाए, इसको बंद कराया जाए, ऐसी शिक्षिका के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए ताकि भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति न हो। और हम सभी सनातनी यहाँ पे आज इसी काम से इकट्ठे हैं। जय श्री राम। लाल शर्मा है और मेरे 3 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, एक तो अभी 10वीं पास करके निकल गए हैं और 2 यहीं पढ़ रहे हैं। बच्चों को तिलक लगाने के लिए मना किया जाता है, बच्चे रुद्राक्ष की माला लच्छा कुछ ही बांध के आते हैं तो खुलवा दिया जाता है और हिंदू धर्म की शिक्षा को छोड़कर मुस्लिम धर्म की शिक्षा दी जाती है। इनकी जो प्रेयर है, प्रेयर भी मौलाना खुदा इस नाम से है, गायत्री मंत्र इनको नहीं पढ़ाया जाता है। इवन यहाँ पर कि अपने
भारत का जो संविधान है, संविधान के अपोजिट पढ़ाया जाता पूरा। जैसे अपन कुछ दूसरा कुछ जो अपना सिलेबस है, सिलेबस को छोड़ के उसके खिलाफ में कुछ पढ़ाया जाता है, पता ही नहीं क्या पढ़ा रहे राम जाने। अब जैसे अभी स्कूल का सिलेबस था पाँचवीं का, तो पाँचवीं में ये लीड वगैरह पढ़ा दिया, पढ़े का कुछ है नहीं, बस इनको वरा समाज को घुसा रखा है पूरा, और वही पढ़ाते हैं उनको, कोई न तो कुछ लिखना आता है, स को च, च को स बोलते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है, बच्चों को भी लिखाना नहीं, बच्चों को भी लिखवाना नहीं सिखा रहे हैं कि क्या है, उनको खुद को पता नहीं है, दूसरों को क्या पढ़ाएंगे वो, बस यही है। स्कूल वालों का इसके बारे में मेरी जानकारी कम है, बस ये प्रिंसिपल मैम का एक आया था कि भाई हमने उनके खिलाफ एक्शन किया है, लेकिन मेरे को नहीं लगता कुछ एक्शन क्या होगा, क्योंकि ये इस पूरे स्कूल में टोटल 5 या 7 हिंदू को छोड़ के सब टोटली बोरा समाज है। शिल्या प्रजापति, मेरे दोनों बच्चे भी यहीं पढ़ते हैं, मैं खुद भी यहाँ पे 3-4 बार कंप्लेन करने के लिए मतलब आई हुई हूँ यहाँ पे, मगर कोई ध्यान नहीं देता। और कल परसों भी मेरे को फ़ोन आके मतलब बहुत सारी बातें बता रहे हैं कि ऐसा बोल रहे हैं कि तुम्हारे मतलब तुम्हारा जो बाप है वो मक्का मदीना में है। एक टीचर होने के नाते मतलब टीचर ही अगर बच्चों को ऐसा बोलती है कि तुम्हारा बाप, तो बहुत गलत है ये, इस तरह की शिक्षा नहीं देना चाहिए। मतलब क्या मांग हम ये कर रहे हैं कि इन या तो बच्चों को निकालो या फिर इन बोरा समाज को निकालो, क्योंकि ये बोलते हैं कि ऐसा बोलते हैं कि बोरा जो बोरा समाज है ना वो स्टाफ अच्छा है, मतलब वो ही अच्छा पढ़ाते हैं, ऐसा बोलते हैं मतलब स्कूल के टीचर पढ़ाते हैं जो है ना ऐसा बोलते हैं। 8 जुलाई को हमें बच्चों ने रिपोर्ट किया था, हमें बताया कि इस तरह की कोई घटना या सेंटेंसेस 7 तारीख को क्लास में कहे गए। हमने 8 तारीख को इंक्वायरी बिठाई और उसका पूरा हमने ब्यूरो लिया, और इसके तहत हमने उस अध्यापिका को निष्कासित कर दिया था 8 तारीख को। और उसके बाद हमने पूरी देखरेख में ये एश्योर किया और ये देखा कि इस तरह की आगे फ्यूचर में कोई भी घटना ना हो। अभी जो ये सारे मुद्दे हमारे सामने रखे गए हैं, हम इस पर मैनेजमेंट के साथ मिलकर विचार करेंगे। अभी मैं आपको ऐसा क्या होगा कि टीचर्स को इस बात बोलनी पड़ेगी, ये हम नहीं कह सकते। एक लेसन पढ़ाने के तहत ये जो भी हुआ उसमें वहाँ क्लास में क्या बात चल रही थी, किसके तहत ये कहा गया एक आध सेंटेंस, वो उसका मैं नहीं कह पाऊँगी कि किसके चीज़, बस सिंपल सा एक लेसन पढ़ाया जा रहा था जहाँ पर एक कन्वर्जेशन में कोई एक सेंटेंस किस कॉन्टेक्स्ट में उस समय चल रहा था वो मैं नहीं कह पाऊँगी। लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ, अगर हमें बच्चों ने इस चीज़ की जानकारी दी, तो हमने उसके तहत इमीडिएटली उस टीचर को टर्मिनेट किया, जबकि टीचर नहीं कह रहा है कि इस तरह का कोई स्टेटमेंट था। फिर भी हमने बच्चों का मान, पेरेंट्स का मान रखते हुए और इस चीज़ के, और हमने कहा कि ये चीज़ हमने उन्हें निष्कासित कर दी। सभी की मांग ये है कि ऐसे में दूसरे जो गैर सनातनी टीचर हैं उन्हें भी निष्कासित करने की मांग करी है, ऐसे में एक व्यक्ति की सजा सभी की भुगत है। ये मुद्दा अभी हमारे सामने इन्होंने लाया है, इस पर मैं अभी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे सकती। हम मैनेजमेंट के सामने ये सारी बातें रखेंगे, जो भी आएगा उसका डिसीजन हम उस पर। तो आपके मैनेजमेंट ने 7 दिन का आश्वासन दिया है। हम इस पर इंक्वायरी करेंगे सर, हम इस पर विचार विमर्श करेंगे, इस पर हम अभी ये नहीं कह सकते। हम विचार विमर्श करेंगे और हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम ये नहीं करेंगे या वो नहीं करेंगे, ऐसा कोई भी हम चीज़ नहीं कह रहे हैं, हम विचार विमर्श करेंगे। अभी जस्ट आपके सामने उन्होंने ये मुद्दा हमारे सामने रखा है, तो हमें कुछ समय तो चाहिए होगा इन सब पे सोच विचार करने के लिए।